बड़ा ही विहंगम दृश्य है स्वर्ण मंदिर के बाहरी परिक्षेत्र का। और आज पुनः हमें शाम को एक बार अवसर मिल गया, हम कल ज्वालियावाला बाग नहीं देख पाए थे, आज पुनः आए और आज हम पुनः स्वर्ण मंदिर के बाहरी परिदृश्य को देखने का अवसर मिला। बड़ा ही सुंदर मनोहारी दृश्य है स्वर्ण मंदिर के बाहर। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ से हम श्री मंदिर साहब के दर्शन के लिए जाते हैं। ये मुख्य द्वार से लोग दर्शनार्थ हेतु कतारबद्ध होकर खड़े हैं और ये दर्शन के लिए जाते हुए। ये स्वर्ण मंदिर का विशाल लंगर है जहाँ पे प्रतिदिन लाखों लोग लंगर छकते हैं और हजारों लोग सेवा में जुटे रहते हैं। यहाँ पे जो सेवा का भाव लोगों में होता है वो देख के तो हर व्यक्ति के मन में सेवा का एक जज्बा पैदा होता है और मुझे लगता है कि प्रतिदिन यहाँ लाखों लोग स्वागत करते हैं, लंगर छकते हैं। और मेरी समझ से विश्व का सबसे बड़ा किचन लंगर स्थान है या सबसे बड़ा किचन है। ये जलियांवाला बाग के अंदर हैं हम और ये कुआं है जिस जलियांवाला बाग जब गोली कांड हुआ तो हजारों लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर से भागने के दौरान इस कुएं में कुछ लोग कूद गए, कुछ लोग गिर गए। ऐसा बताया जाता है कि उस समय हजारों भारत माँ के वीर जवानों की आहुति इस कुएं में गिर के हो गई। आज भी ये स्मारक भव्य रूप में बनाया गया है, हमें उन वीर सपूतों की याद दिलाता है कि जो देश के लिए शहीद हुए। और आज की डेट में ये कुआं पूरी तरफ चारों तरफ से ट्रांसपेरेंट रूप से पैक कर दिया गया है जिसे हम शहीदी कुआं के नाम से जानते हैं। और आज भी दर्शनार्थी जो यहाँ आते हैं वो इसमें अपने दर्शन कुएँ का दर्शन कर अपने वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। ये वो जलियांवाला बाग की वो दीवार है, बाहरी दीवार जहाँ पे जनरल डायर के क्रूरता के निशान, उनके सेना के द्वारा चलाई गई गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं, उनको रेखांकित किया गया है जो आने वाली पीढ़ी को उन वीर सपूतों के बलिदान की याद दिलाती है। इस समय मैं जलियांवाला बाग के अंदर बने हुए शहीद स्मारक के पास हूँ। यह जलियांवाला बाग कांड में शहीद हुए उन वीर सपूतों के याद में बनाया गया है ताकि आने वाली पीढ़ी उनके बारे में उस इतिहास को जान सके और कभी भी देश के लिए आवश्यकता पड़ने पर वो देश के लिए समर्पित हो सके, देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर सके। ये जलियांवाला बाग अंग्रेज़ों की उस क्रूरता की निशानी है जिसमें माँ भारती के सैकड़ों वीर सपूतों ने अपनी आहुति दी। आज भी प्रतिदिन देश के कोने कोने से आए हुए लाखों श्रद्धालु यहाँ इस पावन भूमि को नमन करते हैं, वीरों को नमन करते हैं। जलियांवाला कांड के जनरल डायर की बर्बरता के निशान अभी भी दीवारों पर अंकित हैं। माँ भारती के वीर सपूतों को बलिदान की याद दिलाते हैं नए सिरे से पर्यटन विभाग द्वारा। इस पूरे जलियांवाला बाग में निरंतर देशभक्ति धुन बजती रहती है जो
आने वालों के मन में देश प्रेम की भावना को जागृत करती है। इन दीवारों पे गोलियों के 28 निशान हैं। जब जलियांवाला बाग में लोग रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे और जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी घोषणा के उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी थी। ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग दीवारें हैं जिन पे भी अभी भी गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। 13 अप्रैल 1919 अमृतसर। सारा पंजाब बैसाखी की खुशियां मना रहा था। लोग हरमंदिर साहिब के दर्शन और खालसा का स्थापना दिवस मनाने आए हुए थे। कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में एक सभा करने का निर्णय लिया था। उनका इरादा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू की विदाई और काले कानून की वापसी की मांग करने का था। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, एक छोटा सा बच्चा टीम का कनस्तर बजाते हुए शहर के कुछ इलाकों में ये संदेश देते हुए निकला कि शाम 4:30 बजे जलियांवाला बाग में एक सभा हो। एकत्रित हुए लोगों को ये मालूम नहीं था कि उपनिवेशी सरकार ने अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया है, प्रभात फेरियां और सवारी करने पर प्रतिबंध लग चुका है। 12:30 के करीब जनरल डायर को जलियांवाला बाग में होने वाली सभा की जानकारी मिली और उसने कुछ करने की मांगी। बाग में हजारों हिंदुस्तानी अपने नेता हंसराज को सुन रहे थे, तभी एक गुजरते हुए हवाई जहाज ने उनमें बेचैनी पैदा कर दी। हंसराज ने उन्हें आश्वासन दिया कि चूंकि सभा शांतिपूर्ण थी, डरने की कोई बात नहीं। हालांकि कुछ समय बाद सैनिकों के मार्च करने और बख्तरबंद वाहनों की आवाजों से हंगामा मच गया। जनरल डायर बाग के दरवाजे पर आ था। गली संकरी होने के कारण वो अपने बख्तरबंद वाहन अंदर नहीं ले जा पाया। उसने अपने 90 सैनिकों को पोजीशन लेने का हुक्म दिया। न कोई चेतावनी, न बाग खाली करने का आदेश और न ही सभा भंग करने की घोषणा। केवल एक हुक्म जारी हुआ। सिर्फ 10 मिनट में 1,650 गोलियां बरसी और भीड़ में से लहू की नदियां बहने लगी। हर तरफ मौत अपनी जानवर बचाने लगी। छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा। बचने की तलाश में कुछ लोग दीवार लांघने लगे, कुछ कुएं में कूदे तो कुछ बचके बचाते कुएं में गिर पड़े। जल ही कुआं घायलों और मृतकों से भर गया। गोलियां बरसती रही। लगभग 1,000 हिंदुस्तानी शहीद हुए और 1,500 से ऊपर घायल। गोलियों का भंडार खत्म होते ही घायलों और मृतकों को वहीं तड़पता छोड़ डायर बिना किसी पछतावे के उस भयावह जगह से निकल गया। अमृतसर ने आज तक ऐसी काली रात न देखी थी। यह अमृतसर के पंजाब स्टेट वार हीरोज़ मेमोरियल म्यूजियम के नाम से एक स्थान है जो भारतीय सेना द्वारा अन्य अलग अलग लड़ाइयां जो लड़ी गई उनके यादगार में बनाया गया है और बहुत ही भव्य बनाया गया है।
यहाँ आने के लिए बहुत ही आसान है। कभी आप अमृतसर आएँ तो अवश्य ही इस स्थान को भ्रमण करें। इस समय मैं अमृतसर के पंजाब स्टेट वार हीरोज मेमोरियल में हूँ। यह पंजाब सरकार द्वारा भारतीय सेना में अपनी सेवा देने वाले वीर जवानों के यादगार में बनवाया गया है। काफ़ी ही सुंदर यहाँ पे वार मेमोरियल के साथ साथ म्यूजियम है, जिनमें हमारे विभिन्न लड़ाकू विमानों के लड़ाकू विमान टैंक्स याद रखे हुए हैं। बहुत ही सुंदर धीरे धीरे मेमोरियल की तरफ बढ़ते हैं। ये भारतीय सेना का पैटर्न M-47 टैंक है।